हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एम डी टेक इंडिया के एक और नए सेशन में। और आज आप लोग के लिए मैं लेके आ गया हूँ न्यूली लॉन्च रियल मी बड्स 2 नियो का एक क्विक अनबॉक्सिंग और एक क्विक साउंड टेस्ट और एक क्विक रिव्यू। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बट ओपन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो आपको है, ये आपको डैंगल फ्री डिज़ाइन मिलता है, 90 डिग्री का ऑडियो एंगल जैक मिलता है, और HD माइक्रोफोन, और दूसरा साइड में यहाँ पर कुछ 11.2 mm का डायनेमिक ड्राइवर और कुछ डिज़ाइन कर दिया हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से इसको ओपन करते हैं। ओपन किधर से होगा? इधर से होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें एक कुछ सेट्स ऑफ ईयरबड्स मिल जाते हैं, 2 सेट ऑफ ईयरबड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें आप कैसे वर्क कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। और चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो हम लोगों ने जो कलर मंगवाया है वो है ब्लू कलर का। तो ये है आपका रियलमी बड्स 2 नियो, और ये आपको 2 कलर में, एक क्लासिक ब्लैक जो रियलमी का रहता है, और उसके बाद ये एक न्यू कलर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आपका ब्लू कलर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ईयरफोन का जो तार है वो काफ़ी लंबा है, तो ये सही है कि लंबा तार दिया है। और फिर यहाँ पे ऊपर में जो है आपको, एक मिनट, ये मैग्नेटिक है कि नहीं? नहीं, मैग्नेटिक नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक ये रहा इसका पॉइंट, तो ये रहा इसका जो सिंगल माइक ऑप्शन है, सिंगल माइक बटन है, ये रहा यहाँ पर इसका, ये यह इसका सिंगल माइक बटन। इसी से आपका प्ले पॉज नेक सब चीज़ इसी से होगा। और यहाँ पर आपको ईयर दिया हुआ है, ईयरबड्स ये है। तो ये थोड़ा है प्लास्टिक बिल्ट है, पर थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, और ये मैग्नेटिक नहीं है। तो चलिए, और फिर आपको जो ऑडियो जैक है वो आपका एल शेप का ऑडियो जैक दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका ये आप देख सकते हैं, ये आपका रियलमी का ब्रांडिंग के लिए, और इसमें कोई भी केबल ऑर्गेनाइजर कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यही है इसका अनबॉक्सिंग। अब आते हैं इसके थोड़ा सा रिव्यू पे कि ये कैसा है और कैसे वर्क करता है। ओके भैया, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स के बारे में कि इसमें क्या क्या अच्छा है और क्या क्या ख़राब है। तो सबसे पहले इसका प्रोज की बात करें तो सबसे पहले इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, यानी इसका वायर का जो मटेरियल है वो काफ़ी सही है। प्लस में जो आपको टेक्स्चर ग्रिप दिया हुआ है यहाँ पर, ये दूसरा साइड में जो आपको टेक्स्चर ग्रिप दिया हुआ है, एक में आप देख नहीं पाएंगे, ये जो आपका टेक्स्चर ग्रिप दिया हुआ है वो काफ़ी सही है। और फिर आप को यहाँ पर ये इसके कारण आपको जो है ये टैंगेबल नहीं होता, यानी उलझता नहीं है। तो जैसे जैसे तो मैंने यहाँ पर रखा, पर इसको एक बार आप सीधा कीजिएगा तो एक ही बार पूरा सीधा हो जाता है। और उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये एल शेप का ये कनेक्टर दिया हुआ है, इसके कारण आप इजीली जो है, अगर आप गेम ये सब खेल रहे हैं तो आप इसको इजीली जो है वो लगा के खेल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि इस तरह से लगाए आराम से हम लोग ऐसे करके जो है गेम खेल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसका। उसके बाद आपको जो ये ला इसका ईयर टिप्स है वो काफ़ी हल्का है, इनकमेंट जो दूसरे जो ईयरफोन्स आते हैं उनसे काफ़ी हल्का है, तो आपका ईयर में आराम से फिट होता है। और साथ साथ आपको इसमें एक्स्ट्रा 2 ईयर टिप्स भी दिए जाते हैं जो आप अपने ईयर के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, और लाउड पे भी, यानी आप अगर इसको 80% पे भी प्ले करेंगे तो काफ़ी सही आवाज़ आता है, और 100% पे प्ले करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा हाई वॉल्यूम ऐसे भी आप लोग के ईयर के लिए बैड होता है। और अब आते हैं इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आपको ये मैग्नेटिक में दिया हुआ है कि ये आप इसको लगा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। उसके बाद दूसरा नेगेटिव पॉइंट, कोई भी आपको ये पूरा ईयरफोन कहीं भी वॉल्यूम अप डाउन का बटन नहीं दिया हुआ है, केवल एक सिंगल ये बटन दिया हुआ है जो कि माइक बटन है, या फिर इसको मल्टीफंक्शन बटन है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ इसमें आपको कोई भी जो है वो केबल ऑर्गेनाइजर नहीं दिया हुआ है, केवल एक ये टैग दिया हुआ है जो कि आपका इसका जो पुराना वर्जन या फिर इसका प्रेडिसेसर कह लीजिए जो कि आपका रियलमी बड्स 2 है, उसमें आपको ये तीनों चीज़ मिलता है। तो ये और सब कुछ ये था सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो अब मैं बता दूँ कि आप लोग को क्या ये लेना चाहिए, क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ।
तो अगर आप लोग के पास रियलमी बड्स 2 मिड वर्ल्ड आवर ईयरफोन्स या फिर कोई भी इस टाइप का ईयरफोन्स है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लीजिए। या फिर अगर आप लोग के पास कोई भी नहीं है और आप लोग के पास चॉइस है कि आप रियलमी बड्स 2 नहीं हो या रियलमी बड्स 2 लेते हैं, तो आप मैं कहूँगा कि अगर आप लोग का थोड़ा सा आप टाइट बजट पे है तो आप जाइए रियलमी बड्स 2 नियो के साथ। बट अगर आप अपना बजट को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें क्योंकि ₹500 का आपको पड़ता है और 600 में ही आपको इसका पुराना वाला रियलमी बड्स 2 मिल जाता है इजिली। और जब सेल होता है तो वो भी आपको 500 या 400 में मिलता है, तो आप डेफिनेटली उसको बाई कर सकते हैं। और फिर इसका जो आपको जो ये ब्लू कलर है ये भी उतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा डल कलर लग रहा है देखने में ही, तो कलर वाइज भी थोड़ा उतना मुझे ठीक नहीं लगा। और ऐसे तो इसका ईयरफोन का क्वालिटी बहुत सही है, इसका लेंथ का जो वायर है काफ़ी सही है, तो आप इसको चाहे तो ले भी सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना ईयरफोन्स है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन को आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ये रिव्यू पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो जल्दी से हम लोग को लाइक कीजिए, और अभी चैनल पे गिवअवे भी चल रहा है तो उसमें जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी और बाय बाय।